सीएम आवास में यूपीए विधायकों की बैठक समाप्त हो गई है। बता दें कि बैठक को कल बाहर निकले झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के वरिष्ठ नेता विनोद पांडे ने कहा कि सरकार पर ना तो पहले कोई संकट था और ना अब है। वहीं बता दें कि हमारे सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार को पूर्ण बहुमत की सरकार है और आज जो यह कयास लगाए जा रहे हैं कि मात्र 39 विधायक बैठक में पहुंचे हैं वह गलत है। हमारे पास पर्याप्त बहुमत है। उन्होंने कहा कि 50 प्लस का आंकड़ा जब भी हम चाहे गिना सकते हैं। वही रिसोर्ट पॉलिटिक्स पर पूछे गए सवाल में यह भी कहा गया कि हम अपने विधायक को कहां ले जाएंगे कहां नहीं ले जाएंगे, यह बात जो लोग कह रहे हैं उनसे ही पूछा जाना चाहिए। विधानसभा भंग करने फिर से चुनाव में जाने की बात पर कहा कि यह बात हम लोगों से ना पूछे, जिन्होंने कही है उनसे जाकर पूछे, जिन लोगों को जानकारी है वही इसका जवाब दे सकेंगे। वही बता दें कि वो आगे कहते हैं कि उन्होंने कुछ समय आने पर सारी चीजों का खुलासा कर दिया जाएगा। जहां तक झारखंड मुक्ति की मोर्चा की बात है, हमारी पार्टी संघर्ष करना जानती है और आगे भी संघर्ष करेगी, चाहे लोग कितना भी छल प्रपंच क्यों ना कर ले। वही बता दें कि झामुमो के वरिष्ठ नेता सुपीरो भट्टाचार्य ने भी दावा किया है कि भाजपा के 16 विधायक झामुमो के संपर्क में है। बाकी देखने वाली बात है कि कौन किसके संपर्क में है कौन किसके नहीं, और खैर ये आने वाले जो टाइम है उस रिपोर्ट में सारा खुलासा होता हुआ नजर आएगा कि सीएम हेमंत सोरेन के साथ अब अदालत क्या फैसला लेती है। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।